प्लीज मुझे बात करने दो. तू हमेशा आगे बोलता है गेस्ट से बात करने दो. कभी तुमने उनके दिल की जाननी चाहिए? वो तेरे से बात करना चाहते हैं. नेशनल टीवी पे शिल्पा शेट्टी बैठी हो. हाँ. उनको इग्नोर करके मैं तुमसे बात करूं, है किसी का फायदा इसमें? यार मेरी बात सुनो, मेरी और शिल्पा मैम की चॉइसेस काफी मिलती हैं. हाँ. शिल्पा मैम बिल्कुल आपकी तरह मैं भी योगा लवर हूँ. एक बड़ा अच्छा, योगा जैसा आप तो एकांत में करती ना पार्क में बैठ के. हाँ. ये भीड़ भाड़ वाली जगह में करता है. मैं आपको बताता हूँ ऐसा आसन आप भी नहीं ढूंढ पाएंगी. दोनों टांगों को फोल्ड करके ना घुटने लगा के ऊपर ले आता है पैर, फिर पैरों को पता नहीं किस तरीके से शेप बनाता है कि उनका कटोरा बन जाता है. और पैर जब यहाँ पे होते हैं, फिर जब लोग यहाँ पे सिक्का डालते हैं, बड़ा प्रोफेशनल है, जिनसे चिल्लर लेता है उनको रसीद भी देता है. बता रसीद कहाँ से निकलती, बता. हो गया तुम्हारा, कर लूं बाद में. बादशाह पाजी मेरी बात सुनो यार, आप इतने गाने निकालते हो, मुझे भी क्यों नहीं आप गाने में लेते किसी? और जा तेरे को कोई फैमिली एल्बम में नहीं लेता. उस दिन पता है इनकी ग्रुप फोटो बनने वाली थी राशन कार्ड की, इसकी दादी गई और ऐसे कर खड़ी होगी, कहते अरे बच्चा तो रखो, कहती ये वाला अच्छा नहीं, VFX में कोई और डाल दो. पाजी इनकी भी दादी लेकर गई थी इनको फोटो खिंचवाने. शिल्पा जी इनकी दादी भी इनको फोटो खिंचवाने के लिए लेकर गई साथ में. हाँ. तो फोटोग्राफर इनको देखकर कहता माता जी बाहर जाकर किसी पेंटर से बनवा लो, ऐसे बच्चों की फोटो नहीं खींची जाती. बड़े लोगों की पेंटिंग बनती है, उसमें क्या है? जब ये पैदा हुआ ना, जा यार तुम, मैं अच्छा बात तो सुन, बात तो सुन. पैदा हुआ तो खो जी, अब डॉक्टरों की डिग्रियां कैंसिल होगी यहाँ पे. ये जब पैदा हुआ ना, डॉक्टर कहता है इसको नजर वजर का टीका तो रहने दो, इसको पैटर्न लॉक लगाओ ताकि और कोई देख ना ले इसको. जब पाजी ये पैदा हुआ, ऊपर वाले ने मौन व्रत रख लिया था, कहता ये गलती हो कैसे गई मुझसे. नॉर्मल बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं उसको, झूले में डालते ना. ये पैदा हुआ उन्होंने झोले में डाल दिया, इसको कोई देख ना ले. पाजी जब ये पैदा हुआ, बधाई मांगने वालों ने इस्तीफा दे दिया. कहते नहीं भाई साहब, हम सिलाई कढ़ाई का काम सीख लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों में हमने नहीं नाचना. और सीरियसली अब आप इसकी कढ़ाई देखो, इतनी अच्छी कढ़ाई करता है ना, तेरे को कितनी बार कहा इस मुंह पर जरी का काम करवा ले, क्या पता अच्छा लगे तू. हाँ डॉक्टर आए कहते हुआ क्या, कहते हुआ छोड़ो, इसका मुंह सैनिटाइज कराओ पहले. जा यार मैं को तेरे से बात. जब ये पैदा हुए ना, तो डॉक्टर को डॉक्टर की फैमिली वालों ने मारा. कहते मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये काम करने के लिए तुम्हें डॉक्टर बनवाया था. ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि ये जब पैदा हुआ ना. ओ भाई साहब रहने दो. एक मिनट, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके माता पिता को अलग अलग 10 साल के लिए क्वारंटीन कर दिया. कहते आगे से ये हरकत ना कर बैठेंगे. देखो जी मास्टरपीस बस ये ही होता है. और बहुत पैदा हो गया मैं भाई साहब, मुझे प्लीज मनोज सर से बात करना. मनोज सर यार आप इतने बढ़िया बढ़िया फिल्में लिखते हो, गाने लिखते हो, तो प्लीज मेरे लिए भी आप एक रोल लिखो ना. अच्छा ध्यान से लेना, डॉक्टर इसके लिए दवाई तक नहीं लिखता, आपको पता. उस दिन ये गया डॉक्टर को, बोलता मेरे दांतों में कीड़े लगे, कहता मुंह देख और इसको एवोकाडो लगेगा. ये प्रॉब्लम है. ये भी डेंटिस्ट के पास गए. मैं कभी गया ही नहीं, ऐसा कोई इतिहास में सबूत नहीं है. ये डेंटिस्ट के पास गया, फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला मुंह खोलिए. आगे से डॉक्टर कहता तेरा मुंह खुद का डेंचर जैसा, तू मेरा इलाज करेगा. ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है. यार प्लीज तू करने क्या है यार, IGT वाले लोग आए, मैं इधर अपना टैलेंट दिखाने के लिए आया हूं. पहले तुझे नहीं लगता तुझे बंद कमरे में पहले खुद का टैलेंट अपने आप देखना चाहिए? अगर तुझे लगे कि किसी को दिखाने लायक है तो फिर दिखा. क्या टैलेंट है शर्मा? मेरे में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, मैं सांप को मुंह में डालकर नाक में से निकाल लेता हूं. ये तो सांप का टैलेंट हो गया. आप खुद सोचो अंदर कितना अंधेरा होता है, अगर सांप रास्ता भूल जाए तो. किसी और रास्ते बाहर आ गया फिर ये बैठ पाएगा कभी कहीं? मेरी बात हुई है सांप से, वो नहीं जाता इधर उधर. मेरी बात सुनो, सांप के तो कान ही नहीं होते, उसने कान सुन लिया. और मैं इशारा किया उसको. अच्छा मेरी बात सुनो, और कोई टैलेंट है? बड़ा टैलेंट है बादशाह बाजी, मेरे पास एक जबरदस्त टैलेंट है. अरे बैठ तो जा, इधर आ जा. तो वो बैठ आराम से, कोई बात नहीं. सॉरी इधर बेइज्जती करके कहते बैठो बैठो इधर बैठो.
कौन सी बेइज्जती हुई तेरी? इधर क्या कर रहे थे? तेरे को कोई फील होता है? बेइज्जती प्रूफ है जैसे वाटर प्रूफ घड़ियां होती ना, बेइज्जती टैलेंट दिखा लो मैं। बेइज्जती प्रूफ है मेरे में एक टैलेंट है। हाँ जी, आप अगर वैसा कर दें ठीक है, आपने ये दो हाथ रखने यहाँ पे, आप भी रखो, करो आप सर, करो, एक को ऐसे कर लेना है, ऐसे से करना है और दूसरे को ऐसे से करना है। अब चेंज करो। माइंड कोऑर्डिनेशन चेंज करो, 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 करो। बड़े बड़े लोगों को किस काम पे लगा दिया इसने? करो भाजी, बड़ा मुश्किल है यार भाजी। सोनी वाले देख लेंगे, हमें हमारी तनख्वाह नहीं देंगे। ना करो। और कौन सा टैलेंट है मेरे पास? एक और टैलेंट है। क्या? पक्का पर्ची दिखा के पैसे मांगेगा? हाँ ये सर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। ये देखिए ठीक है। हाँ ये ऐसे दो मैंने पकड़ लिए, हाथ करो ऐसे ऐसे, एक ये एक ये ठीक है जी। एक मैंने आपके यहाँ रख दिए, इसको बंद कर लीजिए, दूसरी मैंने यहाँ रख दी है ठीक है। बोलो बोलो। पाजी तालियां, मेरी ये तालियां। सुबह सुबह 10 बजे उठा के हमें ये दिखाने के लिए बुलाया पाजी, किया कि नहीं किया? मुझे ये बता, जब आज से 15 साल पहले हमने सपना लिया था बॉम्बे जाएंगे कुछ करने, ये करने को सोचा था? इतना जबरदस्त टैलेंट दिखाया कपिल शर्मा मैंने, तेरे को एक बात बताऊं? जबरदस्ती का टैलेंट नहीं, पर मैं इसको बात बताऊं, इसको लेके ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना, इसका इलाज है, ये क्यूरेबल है, तू डॉक्टर को दिखा, ये तू ठीक हो जाएगा। कपूर शर्मा मुझ में कमी क्या है? मुझे मैं ये बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना भाई साहब, भाई साहब मैं पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ भाई साहब? ओके भाजी, ओके, थैंक यू सो मच। पैदा हुआ शिल्पा, आप मनोज भाई बादशाह भाजी सब अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार लिखते हैं लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कमेंट्स है हमारे पास, दिखाइए जरा। बादशाह बाजी ने फोटो डाला है, गेम से आगे फेम से ऊपर, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। चश्मा थोड़ा सा और बड़ा होता तो हेलमेट बन जाता। पाजी ऐसी फोटो दिखा के आप फिरौती भी वसूल सकते हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।